क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर थीटा कोसेकेंट ई की पावर थीटा प्लस वन और साथ में डी थीटा। इसमें लेट करना यू की इक्वल, इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये है तो इसको यू की इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट यू इज इक्वल टू ई पावर थीटा प्लस वन, तो डी यू इज इक्वल टू आएगा ई पावर थीटा, इसका डेरिवेटिव यही होता है और साथ में इसको इसके एंगल से मतलब इसके एंगल का डेरिवेटिव दोबारा लेते हैं तो हमारे पास साथ में आ जाएगा डी थीटा। इसको पुट करते हैं क्वेश्चन में तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट यू और इन दोनों की जगह पर हमारे पास आ जाएगा डी यू। तो ये फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट यू का फार्मूला है माइनस एल एन ऑफ कोसेकेंट यू प्लस कॉट यू प्लस सी। सिंपल सा फार्मूला लग रहा है, अगर फार्मूले में इसकी पुट कर देनी है माइनस एल एन यू की वैल्यू पुट करनी है तो आ जाएगा सी एस सी यू की जगह ई की पावर थीटा प्लस वन और प्लस कॉट ई की पावर थीटा प्लस वन और साथ प्लस सी, इसका आंसर आ जाएगा। सिंपली अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 इंटीग्रेशन ऑफ कॉट 3 प्लस एल एन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स और डी एक्स। इसको इसमें लेट करना है, एल एन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है वन ओवर एक्स डी एक्स, तो हमारे पास एल एन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो हम इसको यू की कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट यू इज इक्वल टू 3 प्लस एल एन ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आ गया डी यू इज इक्वल टू 3 का डेरिवेटिव तो जीरो आ गया और इसका डेरिवेटिव आ गया वन ओवर एक्स डी एक्स। पुट कर देते हैं क्वेश्चन में तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट यू और डी यू, सिंपली ये आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट क्या होता है, एल एन ऑफ इसका एक मैं से निकल गया इस टाइम, इसका डेरिवेटिव होता है एल एन ऑफ साइन यू, ये मैंने पहले भी पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया था एल एन ऑफ साइन यू प्लस सी। मैंने एक और चीज बताई थी कि इसका डेरिवेटिव अगर हमने माइनस में लिखना हो तो लिख सकते हैं एल एन ऑफ माइनस एल एन ऑफ कोसेकेंट यू प्लस सी, तो ये भी ठीक है वो भी ठीक है तो इसको हम लिखेंगे एल एन ऑफ साइन 3 प्लस एल एन ऑफ एक्स प्लस सी, ये इसका आ जाएगा आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट टी ओवर 3 डी टी। इसमें हम लेट कर लेते हैं टी ओवर 3 का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 3 डी टी, तो यानी इसका डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है तो लेट कर लेते हैं यू इज इक्वल टू टी बाई 3। डेरिवेटिव लिया तो आ गया डी यू इज इक्वल टू 1 बाई 3 डी टी,
हमारे पास क्वेश्चन सिर्फ डी टी है, वन बाई थ्री नहीं है, ये टी बाई थ्री है, तो ये एंगल के अंदर है, इसको हम मतलब वन बाई थ्री भी लिखना पड़ेगा, तो हम लिख लेते हैं वन बाई थ्री, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री डी यू इज इक्वल टू डी टी, तो डी टी की वैल्यू भी आ गई, तो इसको पुट करते हैं सिंपली, आ जाएगा सीकेंट यू, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट यू, और साथ में इसकी जगह आ जाएगा थ्री डी यू, डी यू इधर लिख देते हैं तो थ्री बाहर ले देते हैं, बिकॉज थ्री इज अ कॉन्स्टेंट। अब इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं, तो फार्मूलेज भी मैंने आपको बताए थे, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट यू होती है थ्री, तो कॉन्स्टेंट का साथ में आ गया, इसकी इंटीग्रेशन होती है एल एन ऑफ सीकेंट यू प्लस टेन यू और प्लस सी, इसमें सिंपली यू की वैल्यू थ्री टी बाई थ्री पुट कर दें तो आता है थ्री एल एन ऑफ सीकेंट टी बाई थ्री प्लस टेन ऑफ टी बाई थ्री प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब है क्वेश्चन नंबर 14, हाँ 14 वाला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सीकेंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इंटू डी एक्स, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसका डेरिवेटिव कहाँ पर मौजूद है, अगर इसको यू की इक्वल लेट कर लें एंगल को, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आएगा टू एक्स डी एक्स, एक्स मौजूद है वो भी हम कहीं से ले लेंगे, तो लेट कर लेते हैं u is equal to x square minus 5, तो du is equal to आएगा 2x dx, 5 का डेरिवेटिव 0, हमारे पास यहाँ पर है x dx, 2 नहीं है, 2 किधर ले आते हैं, तो आ जाएगा 1 by 2 du is equal to x dx, okay guys, आगे हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है क्वेश्चन में, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन x du dx और dx की जगह हमारे पास आ जाएगा 1 over 2 du, तो 1 over 2 बाहर du यहां पर, अब ये भी चला गया secant u, तो यहां पर लिखते हैं secant u, इसकी इंटीग्रेशन दे देते हैं सिंपल, तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी 1 over 2 ln of secant u plus tan u plus c, इसमें फिर से हम U में इसकी वैल्यू ये पुट करेंगे तो आएगा हमारे पास आंसर 1 बाई टू एल एन ऑफ सीकेंट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव प्लस टेन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव प्लस सी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट एस माइनस पाई डी एस, यू को लेट कर लें, लेट यू इज इक्वल टू एस माइनस पाई, डेरिवेटिव लेते हैं, यहां पर आपने देखना है हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एस, तो s और साथ में जो पाई है ये कांस्टेंट है, ये अगर कांस्टेंट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो डी यू हमारे पास आ जाएगा, डी s का डेरिवेटिव 1 आता है, तो पाई तो 0 हो जाएगा, तो 1 साथ में डी ऑफ s, वैल्यू पुट करें तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट u डी यू, इसका इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट u पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ये भी फार्मूला है इसका इंटीग्रेशन का, इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस एल एन ऑफ कोसेकेंट यू प्लस कोटेंजेंट यू प्लस सी, तो यहाँ पर हमने इसमें यू की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आ जाएगी एस माइनस पाई, जो यू की वैल्यू है हमारे पास, माइनस एल एन ऑफ कोसेकेंट
s minus pi plus cot s minus pi plus c। इसको जल्दी से नोट कर लें। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये 15 था गलबन, मैं देखता हूँ, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 था। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये जो भी मैं कर रहा हूँ दो तीन क्वेश्चन, ये बिल्कुल सारे सेम है, फिर भी आपको कराता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना हो। अभी मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर 16। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर थीटा स्क्वायर, साथ में है कोसेकेंट 1 ओवर थीटा और डी थीटा। लेट करते हैं यू इज इक्वल टू 1 ओवर थीटा, क्योंकि 1 ओवर थीटा का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर थीटा स्क्वायर। तो लेट कर लिया यू इज इक्वल टू 1 ओवर थीटा, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर थीटा स्क्वायर। कैसे आया, क्योंकि इसको हम कह सकते हैं यू थीटा की पावर माइनस वन, तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस वन। पावर रूल ये है इसका डेरिवेटिव लेने के लिए, मतलब पावर पहले और पावर में एक एड, तो थीटा की पावर माइनस टू जिसका डेरिवेटिव होता है, तो मतलब हम इसको लिख लेंगे माइनस वन ओवर थीटा स्क्वायर और साथ में डी थीटा, ये इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ गया। तो इसका क्वेश्चन क्या करते हैं, 1 ओवर थीटा स्क्वायर और डी थीटा, इसकी जगह हमने लिखना डी यू, क्योंकि ये साथ माइनस है वो भी इधर लगाएंगे साथ, तो हमारे पास आ जाएगा डी यू और कोसेकेंट यू। इसका फिर इंटीग्रेशन लेना है तो आएगा माइनस माइनस एल एन ऑफ कोसेकेंट यू प्लस कॉट यू प्लस सी। तो ये मेरे पास हो गया इसका डेरिवेटिव, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा एल एन ऑफ कोसेकेंट यू प्लस सी। अभी क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये लिमिट वाला क्वेश्चन है, लिमिट है 0 से एल एन ऑफ 2 अंडर रूट। तो क्वेश्चन है 2 ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसमें हमने लेट करना यू की इक्वल क्या होगा, तो यू की इक्वल हम इसको लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन यही है, मैं देख लूँ एक बार, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x, अच्छा क्वेश्चन है साथ में x दिया है 2x e की पावर 2x e की पावर x स्क्वायर dx, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव भी हमारे पास साथ में मौजूद है, तो हम u की इक्वल लेट कर लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू x स्क्वायर dx 2x dx, ये भी इक्वल आ रहा है। अभी हमने लिमिट को भी चेंज करना है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू का लिमिट x के क्रॉस पढ़नी थी x इज इक्वल टू जीरो, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो वो भी जीरो आ जाएगी। इसी तरह जरा l x इज इक्वल टू एल एन एफ टू, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा एल एन एफ टू अंडर रूट का स्क्वायर, वो बन जाएगा एल एन एफ टू। अब हमारी लिमिट थोड़ी सी चेंज होगी, तो क्या करते हैं, लिमिट अब हमारी आएगी जीरो टू एल एन एफ टू, और टू एक्स डी एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा डी यू और e की पावर u, इसका इंटीग्रेशन लेता तो यही आएगा e की पावर u और साथ में लिमिट आ जाएगी जीरो से लेकर एल एन एफ टू। अब लिमिट पुट करते हैं यहां पर, लिमिट पुट की तो आ गया e की पावर एल एन एफ टू e
ई की पावर यू, ई की पावर यू, ई की पावर एल एन टू माइनस आपको साकेट खा देता हूँ, ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो तो वन होता है, तो ई की पावर एल एन टू जो है, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन हो और आपको पावर फाइंड करनी हो तो हम इस तरह करते हैं, ई एल एन से कट जाता है, टू हमारे पास आंसर है, तो आंसर आ गया टू माइनस ई की पावर जीरो वन, तो आंसर आ गया वन। फिर से बता दूं, अगर ई की पावर एल एन में आ जाए तो एल एन के साथ जो भी चीज़ होती है वो एज इट इज नीचे आ जाती है और ई एल एन से कट जाता है, ये रूल है, तो हमारे पास वन इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 17 था, जो सॉल्व बन गया था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी पर लिख दिया मैंने। चलिए अभी मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई टू से पाई, और साथ में साइन वाई, और साथ में ई और कॉस वाई, और साथ में डी वाई। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो लेट करते हैं, कॉस यू इज इक्वल टू कॉस वाई, यू की पावर को हमने लेट किया था, तो डी यू आ जाएगा माइनस साइन वाई डी वाई, पुट कर देते हैं। अच्छा, फिर लिमिट को चेंज करना होगा, लिमिट चेंज आपने जब भी वाई को या एक्स को किसी एक वेरिएबल को दूसरे में चेंज करना है तो आपने उसकी लिमिट को जरूर चेंज करना है। अगर आप लिमिट को चेंज किए बगैर पुट कर देंगे तो आपका क्वेश्चन 100% रॉन्ग हो जाएगा। लिमिट चेंज करते हैं, एक्स इज वाई इज इक्वल टू पाई ओवर टू है, तो यू इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस पाई ओवर टू, कॉस पाई ओवर टू आ जाएगा, तो कॉस पाई ओवर टू क्या होता है, जीरो। इसके अलावा यू इज इक्वल टू पाई है, वाई इज इक्वल टू पाई है, तो हमारे पास यू इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस पाई, तो कॉस पाई किसके इक्वल होता है, माइनस वन के इक्वल, या अपने कैलकुलेटर पे करना है, तो ये लिमिट पुट कर दी, अब हमारे पास आ जाएगा इधर लिमिट जीरो टू माइनस वन, और डी वाई साइन वाई की जगह हम लिख देंगे, ये वाला माइनस भी साथ था तो माइनस वन आ जाएगा, और डी यू, इसके अलावा ई की पावर यू बन जाएगा। अब हमने इसको करना है सिंपली, इंटीग्रेशन लेनी है, तो इंटीग्रेशन में आएगा माइनस, ये बाहर है ये तो बाहर ही रहेगा, ई की पावर यू की इंटीग्रेशन ई की पावर यू ही होती है, तो जीरो से माइनस वन। अब इसमें ये लिमिट पुट करनी है, मैं इसको एज कर देता हूँ, इसमें लिमिट इस तरीके से पुट करनी है, माइनस बाहर रहेगा, माइनस बाहर रहेगा, अंदर ई की पावर माइनस वन माइनस ई की पावर जीरो, ई की पावर माइनस वन माइनस ई की पावर जीरो, तो ये आ जाएगा माइनस वन ओवर ई माइनस वन, ई की पावर जीरो तो वन होती है, तो ये आ जाएगा माइनस वन माइनस ई ओवर ई, तो ये आ जाएगा माइनस को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ई माइनस वन ओवर ई, तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 10 बी, ये सेम क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर
tan v over cos of secant square v dv. Secant square v dv. इसमें फिर वही करना let u equal to tan v. तो du tan का डेरिवेटिव होता है secant square, तो जगह secant square v dv पुट कर देना है इसमें, तो आ जाएगा e की पावर u और साथ में du, तो ये आ जाएगा e की पावर u प्लस c. e की पावर u क्या है हमारे पास, tan e की पावर tan v प्लस c, ये हमारा आ गया आंसर. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2 2t और साथ में dt, यहाँ पर dt है. तो हमने इधर लेट कर लेना है u इज इक्वल टू अंडर रूट t, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लें तो आता है 1 ओवर 2 अंडर रूट t. तो लेट कर लेना है u इज इक्वल टू अंडर रूट t, तो du इज इक्वल हो जाएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट t dt. तो 2 को हमें इस साइड पे ले जाना है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ dt और अंडर रूट t है, तो 2 को हमने इस साइड पे ले लेंगे, आ जाएगा 2 du इक्वल टू dt ओवर अंडर रूट t. अब इसको हमें क्वेश्चन में पुट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर u और इन दोनों की जगह आ जाएगा 2du, 2du जो हमारे पास इंटीग्रेशन 2 e की पावर u के इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिंपल e की पावर u ये प्लस c, तो 2 e की पावर u हमने किया कि तो 2 e पावर स्क्वायर 2 प्लस c, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हो गया.